मित्रों, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आए यहाँ पर सब, धन्यवाद। मैं अभी कुछ आपसे विशेष प्रभावशाली कांग्रेस की तरफ से प्रश्न पूछने वाला हूँ, हमारी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री से, सत्तारूढ़ पार्टी से, और उसके साथ साथ अंत में एक पहेली भी बुझाने को कहने वाला हूँ आप लोगों को, और देखते हैं आप कितने माहिर हैं पहेली बुझाने में। तो प्रश्न पहले, पांच प्रश्न हैं मित्रों, हमें जवाब दीजिए कि ये जो आतंकवादी हैं उनके पास जो बारूद और शस्त्र हैं वो कहाँ से आते हैं? वो तो विदेश की धरती से आते हैं और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में हैं, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। हम आपसे दूसरा सवाल करते हैं, वही दोहरा रहे हैं जो आप पूछते थे, आतंकवादियों के पास धन आता है, कहाँ से आता है? पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि जो धन विदेश से आकर आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते? ये दूसरा बिंदु और प्रश्न था। हम तीसरा सवाल उन्हीं की भाषा में पूछते हैं कि जो विदेशियों से जो घुसपैठी आते हैं, घुसपैठी आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटना करते हैं, भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आप हमें बताएं कृपा करके, सीमाएं आपके हाथ में हैं, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठी कैसे घुस जाते हैं? हम चौथा सवाल पूछते हैं आपसे, सारा कम्युनिकेशन आपके हाथ में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल रखता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। आप तो जानते हैं आजकल क्या हो रहा है, इंटरप्ट करके जानकारियां पा सकती है, आतंकवादी गतिविधियों के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन, कौन किससे क्या कह रहा है, सबका संज्ञान है, और आप उसे रोक सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं आपसे, हमारा चौथा प्रश्न, कि आपको सवाल दोहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस विषय में आपने क्या किया है? और हमारा पांचवा और अंतिम सवाल, विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, विदेश में बैठकर जो हिंदुस्तान की आतंकवादियां घटनाएं निर्देशित कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण यानी एक्सट्रेडिशन के द्वारा विदेश से हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है, आपकी विदेश नीति में क्या इतनी भी ताकत नहीं है? मित्रों, ये पांच प्रश्न सीधे कांग्रेस पार्टी लाजमी रूप से हम सब, आप, हम, जनता जनार्दन पूछने का हक रखते हैं, मानव अधिकार रखते हैं, और हम पूछ रहे हैं, आपके जरिए पूछ रहे हैं। आज तक हमें इसका उत्तर मिला है साइलेंस द्वारा, एलोक्वेंट साइलेंस, सन्नाटे वाला चुप्पी के साथ। लेकिन अब इसके साथ साथ इन पांच प्रश्नों की एक पहेली बुझानी है आपको कि ये कांग्रेस का पार्टी पूछ रही है, बिल्कुल सही है, और कौन पूछ रहे हैं ये जरा देखिए, और कौन पूछ रहे हैं? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाएं से आता है, पूरा मनी ट्रांजेक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंदर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि यह जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ के आते हैं, घुसपैठ के आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश के घुसपैठ के कैसे जुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पर बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारी आप पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक। मैं पूछना चाहता हूं,
प्रधानमंत्री जी को इस विषय में आपने क्या किया है। मैंने पांच पांच सवालों को पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है, एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए। आतंकवाद जड़-मूल से उभर जाएगा, राज्यों के अधिकार हत्या करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास अब सुनिए सवालों के जवाब रखी है। दिल्ली की सल्तनत छाती चाहिए ये सब हासिल करने के लिए, इसी में है। इसी का अगला वाक्य ये है, पता नहीं क्यों रुक गया है। तो मैं इस सन्नाटे वाली चुप्पी जो आप सुन रहे हैं हमारी प्रश्नों की तरफ, हमको कोई इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। उत्तर की जगह हमें कभी जम्मू मिल रहा है, सुंजवान मिल रहा है, पठानकोट मिल रहा है, उरी मिल रही है। इसका उत्तर क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर नहीं जानना चाहते? इसका उत्तर दुर्भाग्यवश ये है, पिछले 45 महीनों में, 45 मंथ्स में, इस सरकार के 45 महीनों में मुख्य आतंकवादी इंसिडेंट्स 207, हमारे 45 महीने के कार्यकाल में इसी मापदंड पे 96, 207 और 96। ये उत्तर है इन पांच प्रश्नों का। उसी 45 महीने में जितने जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, 286 इस सरकार के 45 महीनों में, हमारे कार्यकाल के 45 महीनों में 115, एक भी जवान के जीवन की कीमत कम नहीं होती, वो बात नहीं हो रही है। आज बात हो रही है इस 56 इंच छाती की, इन पांच प्रश्नों की। सिविलियन डेथ्स, आम आदमी जनता जनार्दन की मृत्युएं, इनके 45 महीनों में 138, हमारे 45 महीनों में 72। अब सबसे ज्यादा मुख्य महत्वपूर्ण, क्योंकि ये गांवों में बॉर्डर सीमाओं में सबसे ज्यादा आतंकी बात फैलाता है, मुख्य सीज फायर उल्लंघन 2055 सिर्फ फरवरी तक, पूरे 45 महीने भी नहीं हुए, 2555 हमारे 45 महीनों में, इसका पांचवा हिस्सा 543 543, और इन सीज फायर उल्लंघनों में 62 लोगों की, जवानों की मृत्यु हुई, लोगों की नहीं जवानों की, हमारे वक्त 19 की, इत्यादि इत्यादि। मेरे पास आंकड़ों का बौछार है, लेकिन जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर हमें राष्ट्रवाद के सबक सिखा के मिलता है, उसका छाती पीट पीट के मिलता है, 56 इंच की बात करके मिलता है, जुमलों से मिलता है, लेकिन ठोस क्या मिलता है? तो जुमले कसने में तो हम भी कम नहीं हैं, लेकिन जुमलों से क्या होगा? 56 इंची वालों ने कुछ ऐसे हमको सम्मान दिए, 56 इंची वालों ने कुछ ऐसे हमको सम्मान दिए, कागज की किश्ती सौंपी है, अंगारों के तूफान दिए, और बात करते 56 इंच की। मैंने एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला, माननीय प्रधानमंत्री जो आज हैं उस वक्त विपक्ष में थे, 2014 की बात है ये, पांचों प्रश्नों का कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदला, दुर्भाग्यपूर्ण आखिरी जो वाक्य था 56 इंच वाला वो कट गया, वो इसी संदर्भ का वाक्य है, और वो बिल्कुल मैं उसी तरह पूछ रहा हूं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो विपरीत हैं। ये पूछना किसको चाहिए और उत्तर किसको देना चाहिए, ये बड़ा सहज मालूम पड़ता है आंकड़ों से। और मित्रों, क्या सरहद पर जवान शहीद हो रहा है लगातार, और सिर्फ झूठ और फरेब फैला रही है मोदी सरकार? और कब तक आप इस झूठो फरेब को सुनेंगे? हमारा वीर जवान जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन, आज एक इन्होंने आज हो गए 1.5 वर्ष, फरवरी 2016 में कांपोज समिति, बड़े ऊंचे स्तर के अफसर है लेफ्टिनेंट जनरल कांपोज, सेवानिवृत्त, वो समिति बैठाई कि उरी कैसे हो सकता है भाई, पठानकोट कैसे हो सकता है। उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि घोर नेग्लिजेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट किया, और इसको कहते हैं किताब में SOR,
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनाया। मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब माननीय निर्मला सीतारमण जी ने अभी कल परसों 1500 करोड़ का फंड अब अनुमति दी है, कार्यान्वित किया है, वो कामपोज समिति के सूची द्वारा दिए गए सुझाव कितने कार्यान्वित हुए हैं आपके नाक के नीचे पिछले 40 महीनों में? क्या हर बात पे आप उठ के कांग्रेस की तरफ उंगली उठा सकते हैं, गलतियां निकाल सकते हैं, खुद कुछ करने के लिए लायक नहीं है आप? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पे प्रतिदिन राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिदिन हो रही है तार तार, और हाथ पे हाथ रखकर बैठी है मोदी सरकार। फ्रेंड्स, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग मोर।